बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में दो हीरो डाकुओं से लड़ रहे थे। शूटिंग के दौरान एक हीरो को इतना गुस्सा आ गया कि उसने दूसरे हीरो पर गोली चला दी। जी हाँ, ये कहानी है फिल्म शोले की। इस कहानी को बताया अमिताभ बच्चन ने। हाल ही में उन्होंने अपने शो केबीसी में बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उन पर असली गोली चला दी और वो बाल बाल उनकी गोली से बचे। जरा भी निशाना चूकता तो गोली सीधे उनके सिर में जा लगती। आपको बता दें, जब शोले फिल्म आई थी तो इस फिल्म को अभी तक कहा जाता है कि ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के सबसे ज्यादा टिकट्स बिके, यहाँ तक कि इस फिल्म को OTT पे, TV पे जब ये दोबारा रिलीज हुई सिनेमाघरों में तब भी लोगों ने देखा। इस फिल्म का ऐसा भौकाल था कि फिल्म के एक एक डायलॉग्स लोगों को आज भी याद है। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट थे। 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी और मुंबई के मिनर्वा सिनेमा हॉल में ये 5 साल तक लगी रही। ऐसा क्रेज किसी और फिल्म के लिए देखने को नहीं मिला। कहानी थी ठाकुर और गब्बर सिंह डाकू के दुश्मनी की, और उस गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जय और वीरू आते हैं, जो कि खुद ही चोर हैं और जेल में बंद हैं। ठाकुर उनकी मदद लेता है और फिर वो अपने दुश्मन गब्बर सिंह का सफाया करता है। शोले बहुत बड़ी फिल्म थी और अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को लेकर एक खुलासा किया कि धर्मेंद्र को एक फिल्म के सीन में इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने असली गोली उन पर चला दी और उसमें वो जो है बाल बाल बचे। सीन ये था कि अमिताभ बच्चन पहाड़ी पर खड़े थे और धर्मेंद्र को अपने बनियान के अंदर ढेर सारे कारतूस भरने थे और ये बहुत तेजी से उनको करना था, लेकिन वो बार बार कारतूस उठाते थे और वो गिर जाते थे। ऐसा कई बार उन्होंने किया और बार बार रीटेक हो रहा था। ऐसे में धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक कारतूस को बंदूक में भरा और उन्होंने फायर कर दिया। उन्होंने जब फायर किया तो पहाड़ी पर अमिताभ बच्चन खड़े थे और गोली जो है बिल्कुल उनके कान को छूती हुई निकली थी। अगर जरा भी निशाना और इधर उधर होता तो शायद अमिताभ बच्चन को गोली लग सकती थी। आपको ये बताएं कि इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म की शूटिंग के लिए असली गोलियों का इस्तेमाल किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि बिल्कुल सब कुछ रियल लगे। और ये फिल्म जब शुरू हुई थी तो इसका बजट था 1 करोड़, लेकिन शूटिंग खत्म होते होते फिल्म का बजट जो है वो 3 करोड़ तक पहुंच गया था। फिल्म शोले एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार जैसे बड़े दिग्गज एक्टर थे। दूसरी तरफ हेमा मालिनी थी, जो कि उस दौर की नंबर वन हीरोइन थी। जया बच्चन थी इस फिल्म में, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म थी। और आज भी जब ये फिल्म TV पे आती है तो लोग इसको देखते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम पहले नहीं था। पहले शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में जय का रोल करने वाले थे, लेकिन सलीम खान ने जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और अमिताभ खुद भी चाहते थे कि शोले फिल्म में उनको कास्ट किया जाए। उन्होंने धर्मेंद्र से भी कहा कि मुझे इस फिल्म में रखा जाए, और कहा जाता है कि धर्मेंद्र और सलीम खान के कहने पर अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में एंट्री हुई थी। अमिताभ बच्चन तब इतने पॉपुलर नहीं थे, ऑफ कोर्स उनके मुकाबले धर्मेंद्र ज्यादा बड़े उस समय स्टार थे और धर्मेंद्र के रोल जो है इस फिल्म में उनके मुकाबले ज्यादा थे। वहीं धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्हें फिल्म में जो है ठाकुर का रोल करने की चाहत थी। वो चाहते थे कि वो ठाकुर का रोल करे, उन्हें ठाकुर का किरदार ज्यादा दिलचस्प लगा था। लेकिन बाद में उनको लगा कि ठाकुर का रोल अगर वो करेंगे तो संजीव कुमार जो है वो फिर वीरू बन जाएंगे और हेमा मालिनी के साथ वो ज्यादा वक्त बिताएंगे, और ऐसे में उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं वीरू का रोल ही कर लेता हूँ। इसी फिल्म के सेट पर हेमा मालिनी के मम्मी पापा हमेशा साथ होते थे और वो कोशिश करते थे कि धर्मेंद्र जो है उनकी बेटी के ज्यादा नजदीक ना आए। वो कोशिश करते थे कि शॉट ओके हो और उसके बाद उनकी बेटी जो है सीधे उनके पास आकर बैठ जाए, लेकिन धर्मेंद्र भी ऐसे थे कि वो बार बार रीटेक करवाते थे ताकि हेमा मालिनी के साथ वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाए। इसके लिए वो स्पॉट बॉय को पैसे दिया करते थे, लाइट मैन को पैसे दिया करते थे ताकि वो कुछ गड़बड़ करे और फिर जो है हेमा मालिनी उनके साथ ज्यादा समय रह सके। शोले फिल्म का एक सीन था जब जया बच्चन जो है लैंप जलाती है और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं, और इस सीन को शूट करने में करीब 20 दिन लग गए थे, क्योंकि जो कैमरा पर्सन थे इस फिल्म के और रमेश सिप्पी, उनका ये था कि उनको बिल्कुल सूरज डूबता हुआ जो समय होता है वो चाहिए था। और ऐसे में जब तक वो शूटिंग शुरू होती थी कहीं ना कहीं जो है पूरा शूट रोज कंप्लीट नहीं हो पाता था, और इस वजह से जो है इस फिल्म की शूटिंग में करीब 20 दिन लग गए थे।
यही नहीं, इस फिल्म को जो है बेंगलुरु में शूट किया गया था। आप जो भी फिल्म के जितने भी एक्स्ट्रा कास्ट आपने देखे होंगे, ज्यादातर जो है साउथ के हैं और वो उनके लुक से भी पता चलता है, लेकिन पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया की फिल्म के तौर पर दिखाई गई थी। शोले को लेकर इतने किस्से हैं कि जब हम सुनाने लगे तो शायद घंटों बीत जाएं, लेकिन शोले सचमुच भारत की एक बहुत बड़ी फिल्म है। अब तक जो है देखा जाए तो इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म के सबसे ज्यादा टिकट्स बिके, इस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा दर्शक जो है सिनेमा हॉल गए। वैसे कहा जाता है कि हम आपके हैं कौन वो फिल्म है जिसको सबसे ज्यादा दर्शकों ने देखा। शोले और हम आपके हैं कौन, ये दोनों फिल्मों के बीच हमेशा जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, दर्शकों की संख्या को लेकर टक्कर होती रहती है। शोले 1975 में रिलीज हुई थी और इस वजह से जो है इसके आंकड़े पूरी तरह से सामने नहीं आ पाए थे, जबकि हम आपके हैं कौन 1995 में रिलीज हुई थी और उसकी कमाई और दर्शक टिकट के आंकड़े या फिर जो भी फिल्म से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आसानी से उपलब्ध हो गए थे। और इसी वजह से शोले जो है कहीं ना कहीं हम आपके हैं कौन के मुकाबले थोड़ी पीछे रह जाते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 80-90 के दशक के जो तमाम बच्चे हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा है, और शायद ही बहुत ऐसे कम ही लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने शोले फिल्म ना देखी हो।